इसके साथ ही रुक करते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर देवास से है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देवास के विजयागंज मंडी पहुंची है। बता दें, इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद रहे। को हाथ पांव बांधे और चाकुओं से गोद लिया। आज छतरपुर में एक विधायक का चुनाव लड़े, उस व्यक्ति के सर पे गंध रखी और उसको दाग, विधायक का चुनाव लड़े उसकी दाग दी। आज एक पिता और दो बच्चों ने मंदसौर में फांसी के झूले को चूम लिया, आत्महत्या कर ली। वजह बताई कि मेरी पत्नी को निर्वस्त करके मारा गया। प्रदेश में क्राइम अद्भुत है। कल मोहन यादव जी विजुअल आए, आप लोगों के माध्यम से हमें पता चले कि वो राम मंदिर पूरे मंत्रिमंडल को दर्शन करने ले गए। भगवान राम के दर्शन तो होने भी चाहिए, आस्था का विषय है, व्यक्ति की आस्था का भी है और सामूहिक आस्था का। पर मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि क्राइम रोके। जो गृह मंत्री भी है, वो 30 साल में सबसे ज़्यादा क्राइम यहाँ हो। फिर कर्ज 15,000 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले 2 महीने में कर्जा ले। फिर करप्शन, कोई टोल ऐसा नहीं है जो आप लोग भी निकलो इनसे जाओगे तो हर सब जगह करप्शन का बोलबाला है। अभी जितनी नियुक्तियां हो रही, ट्रांसफर हो रहे, उनमें बोलबाला है। आपने गीता और रामायण जैसे वचन पत्र की बात की, क्यों एक शब्द भी मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई? क्यों नहीं हुए 3100 के धान के दाम? क्यों नहीं हुए 2700 के गेहूं के दाम? क्यों नहीं हुए 450 का गैस सिलेंडर? क्यों नहीं हुए 3000 रुपये बहनों के लिए? तो ये मुद्दे लोकसभा के मुद्दे हैं। हमारे नेताओं को भी एक मौका मिलता है कनेक्ट करने का, तो ऐसी यात्रा, ये आखिरी यात्रा नहीं है। हम जीतेंगे 2024 के लोकसभा और उसके बाद कोई यात्रा नहीं होगा, ये नहीं है। ये यात्राएं चलती रहे, क्योंकि ये लंबी लंबे समय तक हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये RSS का प्रोजेक्ट जो है पिछले 70 साल से चल रहा है, 80 साल से चल रहा है। और हम सत्ता में रहे थे, हम भूल गए कि एक, मैं स्वीकारता हूँ कि ये एक वैचारिक मुकाबला है, एक वैचारिक जंग है। चुनाव हम हारेंगे जीतेंगे, चुनाव लड़ते रहेंगे, पर विचार का जो मुकाबला है, इसमें हमारी ओर से कुछ कमी थी और वो पूरा कर रहे हैं राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। को हाथ पांव बांधे और चाकुओं से गोद। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर पूरे जनपद में खुशी की लहर दौड़ गई है। जहां राष्ट्रीय सचिव ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ। खबर लखनऊ से है, जहां योगी सरकार ने प्रदेश में एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी के प्रोडक्शन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को योगी सरकार ने मंजूरी दी है। यह भी बताया जा रहा है कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। पॉलिसी के तहत 2028 तक प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी बताया जा रहा है कि पॉलिसी की वैधता 5 वर्ष तक होगी। इसके अंतर्गत योगी सरकार उद्योग लगाने वालों को विभिन्न तरह के लाभ और प्रोत्साहन प्रदान करेगी। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के संचालन में यूपी नेडा नोडल एजेंसी होगी। 5,000 करोड़ रुपए से दी जाएगी सब्सिडी और अन्य राहत। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, जो हम लोग काफी दिनों से इस पर काम कर रहे थे, हमने काफी इस पे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया, कई राउंड इंडस्ट्री के साथ, जो लोग जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं इसके, उन सभी के साथ हमने इस पे कंसल्टेशन किया और आज हमने इसकी मंजूरी माननीय मंत्रिमंडल ने हमें इसके लिए दिया है। आप सबके संज्ञान में है कि 2022-23 में भारत सरकार ने हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की एक मिशन बनाया और कुछ गाइडलाइंस भी उन्होंने 2030 तक कैसे इसको हम अमल में लाएंगे उसके लिए उन्होंने प्रख्यापित किया। और उसी के और साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि 2070 तक हमें नेट जीरो तक जाना है, मतलब कि जो कार्बन फ्यूल है और रिन्यूएबल जो फ्यूल है, जो स्वच्छ फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है, उसका दोनों का मिला करके बैलेंस हो जाना चाहिए। कहीं कोई ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा जो कार्बन इमिशन है वो नेट जीरो हो जाना चाहिए। उस दिशा में
आगे बढ़ते हुए हम लोग पिछले साल सोलर पॉलिसी ले आए, फिर बायो फ्यूल पॉलिसी ले आए और आज हम हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर के आए हैं। आपको जानकारी है कि हाइड्रोजन का उपयोग एक ईंधन के रूप में बहुत बड़े जो हमारे खपत वाले जो कारखाने हैं, जैसे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, इन सब में हाइड्रोजन की को एक फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी तक ये जो हाइड्रोजन पैदा करने की जो तकनीक थी वो ग्रे हाइड्रोजन कहा जाए उसको, कि वही बिजली या वही गैस के सहारे ये ग्रे हाइड्रोजन पैदा किया जाता था। अगर इसी बिजली को लगा करके हमें पैदा करना है तो स्वाभाविक है कि ये बिजली कहीं ना कहीं कोयले पे आधारित होकर के आती है, या इवन गैस पे भी, गैस से भी हम अगर हाइड्रोजन बनाने का काम करते हैं तो वो भी कोई क्लीन फ्यूल नहीं है, ग्रीन फ्यूल नहीं है। तो इस दिशा में ग्रे हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित करने के लिए एक बहुत बड़ा काम दुनिया में और देश में होना शुरू हुआ है। उसी दिशा में हम लोग ये नीति लेकर के आए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी 2024 की, जिसमें हमने कहा है कि आने वाले चार साल 2028 तक प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करेंगे, और उसके लिए हमने 5 वर्ष का लक्ष्य, 5 वर्ष की समयावधि रखी है इस नीति की। और इस समयावधि में जो उद्योग इस क्षेत्र में आएंगे उनको लगभग 5,045 करोड़ रुपए की धनराशि सब्सिडी के रूप में या अन्य राहतों के रूप में देने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रावधान करने की हम लोगों को इजाजत दिया है। जैसा मैंने कहा कि 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष 2028 तक हम लोग इसमें पैदा करने का हमारा लक्ष्य है, और ऐसे उद्योगों को हम 10% से 30% तक सब्सिडी उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम देंगे। और जो पहले 5 उद्योग आएंगे उनको हमने ये भी कहा है कि उनको हम 40% तक सब्सिडी देने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। एनर्जी बैंकिंग का भी हम प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में सोलर या ऐसी एनर्जी पैदा होगी तो उसको कई बार ऐसा होता है कि उनकी खपत दिन में नहीं है, रात में चाहिए, इस समय नहीं है, किसी और समय चाहिए, तो लोग हमारे ग्रिड में डाल देते हैं, उसको बैंकिंग कहते हैं, और फिर जब उनको आवश्यकता होती है तो ग्रिड से वो ड्रा करते हैं वो एनर्जी। उसकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं जो हमारे UPERC की गाइडलाइंस है। हमने इस पॉलिसी में ये कहा है कि समय समय पे हम उसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस बनाते रहेंगे और इंडस्ट्री के साथ संपर्क में रह करके एनर्जी बैंकिंग के हम प्रावधान बनाते रहेंगे। उसी के साथ हमने ये भी कहा है कि जो इंट्रा स्टेट ट्रांसफर के जो चार्जेस लगते थे एनर्जी को ग्रिड में डाल करके, या तो कहीं दूसरे स्टेट में अंदर स्टेट के अंदर हमें किसी को देना है, कैप्टिव उपयोग करना है या किसी को देना है, उसमें जो व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्ज लगता है उस पर 100% की हम छूट देंगे, खास करके विक्रय और कैप्टिव दोनों ही तरह के उपयोग पर। बाहर भेजने, अन्य राज्यों में भेजने पर या मंगाने पर, एक बार जमा किया फिर दूसरी बार मंगाना अगर पड़ा तो उस पर भी हम 100% तक की इसमें व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्जेज में हम छूट दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी 100% की छूट देने का प्रावधान किया गया है। जो कैप्टिव यूजर्स होंगे इसके 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 उनको हम और भी प्राथमिकता के आधार पर, उनको ट्रांसमिशन में भी हम उनको प्राथमिकता देंगे। सार्वजनिक उद्यम अगर है तो उसको 30 वर्ष की लीज पर 1 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से, मतलब एक तरह से मुफ्त में हम जमीन देने का भी प्रावधान कर रहे हैं। ये पूरी जो ऊर्जा पैदा होगी उसको रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन बोलते हैं, RPO, उसमें भी इसको अनुमन्य किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर अगर प्राइवेट निवेशक है तो उसको 15,000 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष का पट्टा लेने का के लिए भी हमने व्यवस्था किया। इस प्रकार बहुत सारी छूट बहुत ही आकर्षक इस योजना को बनाते हुए हम लोग चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में भी, आपकी जानकारी के लिए अभी कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना से
200 मेगावाट के सोलर के उत्पादन का और 3 हमारी बड़े बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास, मतलब 200 मेगावाट का उद्घाटन और 3 बड़े बड़े लगभग 2000 मेगावाट के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। तो हम सोलर में तो हम आगे बढ़ चुके हैं, एक रिवोल्यूशन आ चुकी है। इस पॉलिसी के तहत हाइड्रोजन में भी हम लोग एक रिवोल्यूशन की तरह उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हुआ है। बता दें कि नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया है और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन उठाने वाली गाड़ियों को भी रवाना किया है। बताते चले कि 150 गाड़ियों और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने रवाना किया है और कार्यक्रम में लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह व समस्त पार्षद भी मौजूद रहे। आपको ये भी बता दें कि ए के शर्मा व मेयर सुषमा खरकवाल ने घर घर से कूड़ा उठाया है और ये कार्यक्रम गोमती नगर के होसड़िया चौराहे पर आयोजित किया गया। खबर आगरा से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा वासियों और आगरा आने वाले पर्यटकों को आगरा मेट्रो की बहुत बहुत बधाई दी है। साथ ही पीएम मोदी को आगरा मेट्रो की सौगात देने के लिए आभार दिया है। बता दें 21 दिसंबर को मेट्रो का कार्य प्रारंभ हुआ था और आज समय से पहले ही प्राथमिक चरण में 6 स्टेशन का काम पूरा हो चुका है, जिसका आज उद्घाटन किया गया है, जिसके बाद अब आगरा यूपी का 6वां शहर बन गया है जहां मेट्रो पहुंच चुकी है। बताते चले कि इस मेट्रो का ब्रजवासियों को लाभ मिलेगा और आगरा आने वाले पर्यटकों को फायदा पहुंचेगा। और आगरा आने वाले जो टूरिस्ट है उन सभी को आज आगरा मेट्रो के शुभारंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इससे पहले लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में मेट्रो सेवा उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो चुकी है और आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 6वें शहर आगरा में ब्रजवासियों के लिए, आगरा वासियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हुई। यहाँ इस सिटी को डेवलप करने के लिए तेजी के साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी यहाँ पर करने का कार्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। यहाँ के नागरिकों के साथ साथ यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज वह मेट्रो के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, अन्य जन सुविधाओं के रूप में, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इन सभी प्रयासों के लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी आज यहाँ पर इस कार्य के लिए यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो हमारी इसी सिटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, फतेहपुर सीकरी से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राजकुमार चाहर भी हैं, यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने विशेष रूप से रुचि लेकर के इन कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और उसमें अपनी पूरी समय भी दिया है और सहयोग भी दिया है, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए विश्वास करता हूँ कि आगरा मेट्रो अपने अन्य फेज के कार्य को भी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आगरा वासियों को एक बार फिर से मेट्रो की सौगात के लिए, होली के पूर्व इस उपहार के लिए हृदय से बधाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रति हृदय से आभार। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई
हरदोई के मेडिकल कॉलेज के तीमारदार और मरीज पेयजल के लिए परेशान हो रहे हैं। बता दें कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में वैसे तो तीन तीन आरओ और पानी की टंकी लगी हुई है, जिसकी यहां आने वाले मरीज और तीमारदार शुद्ध पेयजल प्राप्त कर सके, मगर जब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है तो परिसर में लगे तीनों आरओ खराब पड़े हैं और पानी की टंकी से भी शुद्ध पानी नहीं आ रहा है, जिससे मरीज और तीमारदारों को खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है, जबकि अस्पताल प्रशासन पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं पर प्रति माह लाखों रुपए खर्च करता है, मगर मरीज और तीमारदार की यह समस्या उनके नजर में नहीं आ रही है।